गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, आ रहा है। ओके, पूरा रिवाइज कर लिया इंटीजर? रेडी हो? यस सर। ओके गुड। By how much does five exceed minus four? Exceed minus four. कर लोगे इसे? इस प्रश्न का मतलब समझ में आया? सर exceed मतलब ज्यादा। By how much does 5 exceed minus 4? यानी कि 5 minus 4 से कितना ज्यादा है ना? अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं by how much does 5 exceed, एक मिनट, 5 exceed 3 है ना, मतलब 5 3 से कितना ज्यादा है, तो इसका आंसर तो पता होगा। थ्री से कितना ज्यादा है? दो। तो कैसे आया? फाइव माइनस थ्री करेंगे है ना, तो कैसे आएगा? फाइव माइनस थ्री करो तभी आएगा ना टू। कुछ नहीं बोल रहे हो? यस सर। चुपचाप बैठ लो। तीन बार चार बार पूछता हूँ तब तुम बताते हो। नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल? तो जैसे अगर पूछा जाए प्रश्न कि पांच तीन से कितना ज्यादा है तो दो कैसे आएगा? फाइव माइनस थ्री करो तभी आएगा ना, इसमें डाउट क्यों हो रहा है? तो अगर ऐसा पूछा गया तो हमने क्या किया, हमने पहले वाले नंबर को पहले लिखा, फिर माइनस किया, फिर अगला नंबर लिख दिया। उसी प्रकार अगर हमसे पूछा जाए बाय हाउ मच डज फाइव एक्सीड माइनस फोर, तो हम लोग वैसे ही करेंगे, पहले फाइव लिखेंगे फिर माइनस लिखेंगे, फिर जो नंबर दिया है वो लिख देंगे। क्या दिया है पे? माइनस फोर है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइव प्लस प्लस फोर इक्वल टू क्या हो गया? नाइन। तो ये है आपका उत्तर। समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो इस ढंग से एग्जांपल लेके सोचना है ना, कि पांच तीन से कितना बड़ा है अगर पूछेगा तो मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा फाइव माइनस थ्री, क्योंकि मेरा आंसर टू तो मुझे पता ही है ना। तीन पांच से कितना छोटा है ये बताओ सर? दो। भाई हाउ मच इज थ्री लेस देन फाइव? दो है ना। चलो इसको मैं बताता हूं, दूसरा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। यस सर, दे दो। ओके, मान लो तुमसे पूछा जाए भाई हाउ मच इज थ्री लेस देन फाइव, मतलब क्वेश्चन मतलब क्या हुआ? टू। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ मैं वो पूछ रहा हूँ, आंसर नहीं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन का मतलब क्या समझे? कितना कम, कितना लेस है थ्री फाइव से? हाँ, उसके अलावा आंसर टू तो पता ही है। अब टू कैसे आएगा? थ्री माइनस फाइव करेंगे तो टू आएगा। नो सर, नहीं आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फाइव माइनस थ्री है ना। यस सर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन हो सकता इतना आसान ना दे है ना। हमें क्वेश्चन मान लो दे दिया बाय हाउ मच इज माइनस थ्री लेस देन माइनस सेवन है ना। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे? तो हम लोग बाद वाला नंबर पहले लिखेंगे है ना। यहाँ हम देख चुके ना एग्जाम्पल में सोच के, बड़ा वाला। तो बाद वाला नंबर क्या है? माइनस सेवन है ना, उसके बाद माइनस साइन, उसके बाद जो पहले नंबर था, पहले नंबर इसमें क्या था? माइनस थ्री है ना। तो क्या हो जाएगा? माइनस सेवन प्लस थ्री इक्वल टू क्या हो गया? माइनस फोर। समझ में आया कैसे सोचे करना है सब क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन क्या बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल्स लेके सोचोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा है ना, और प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा है ना। समझ गए? स्क्रीनशॉट लो, मैं क्लियर कर रहा हूँ, फिर और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ। कुछ डाउट है तो पूछना पहले। ले लिया।
बाई हाउ मच लेस देन -3 इज -7। अब इस क्वेश्चन में डाउट है, क्या पूछ रहा है ये, है ना, तो हम लिख सकते हैं बाई हाउ मच लेस देन 7 इज 4, है ना, माइनस मतलब 7 से 4 कितना कम है, बाई यस हाउ मच लेस देन 7 मतलब 7 से कितना कम है 4, तो 3 हुआ ना, यस सर, मतलब हम सिंपल क्या करेंगे, 7 - 4 तो 3 आ जाएगा ना, उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 - -7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 + 7 इक्वल टू 7 - 3 इक्वल टू 4, है ना, समझ में आया है, यस सर, तो यस या नो कुछ तो बोलो, नहीं आ रहा तो नो भी बोल सकते हो, है ना, झूठ झूठ यस नहीं बोलना, समझ में आ गया ये, यस सर, तो स्क्रीनशॉट ले लो, सर ले लिए, ओके, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 24, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 24, ठीक है, इफ वन ऑफ देम इज -19 देन अदर इज, है ना, ये पता लगाना है, सम ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का जोड़ कितना है 24, है ना, उनको yes, सम करने से 24 आना चाहिए, और उसमें से एक हमें दिया हुआ है, पहले तो एक डब्बा बना लो, दिस प्लस दिस डब्बा इक्वल टू, है आंसर पता है कितना आएगा, 43, है 43, देखते हैं, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 24, एक मिनट, दो का सम कितना है, सॉरी 24 है ना, अगर एक हमारा -19 है, मान लो एक -19 लेते हो, यहाँ एक से रहते हैं, है ना, अब क्या लिखेंगे, x x प्लस प्लस नहीं लिखेंगे बाबू, -19 इक्वल 24, तुम्हें आंसर कैसे पता, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि प्लस माइनस माइनस होता है, हमने सर माइनस नहीं देखे थे, माइनस तो नहीं देखे हो तो आंसर फट से दे दिया, मतलब कहीं से ऐसे रट के दे दिए या गूगल में देख रहे हो, सर हमको पता है आंसर, कैसे पता है वो तो बताओगे ना सर, रट माइनस के रखे हो सब क्वेश्चन तुम बुक का, -19 सर है तो फिर एक नंबर -19 है, तुम 19 सर इधर हो गया, 24 उधर, उसको दोनों को ऐड हाँ कर तो दूं, तुमको ऐसी दिल से नहीं बताना है, वहां करना पड़ेगा ना, कैसे करोगे, वहां दिखाना पड़ेगा ना कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये सर तो ऐसे करूं, तो फिर अगर दो का सम 24 है तो हम लिख सकते हैं ना एक्स प्लस अगला, है ना, क्या है अगला दिया हुआ है -19 इक्वल टू कितना होना चाहिए 24, ये इक्वेशन बनेगा ना, यस सर, इसके बाद हम x -19 लिखेंगे ना, अगर -19 नहीं लिखेंगे तो आंसर गलत आएगा, इसका मतलब हो गया x इक्वल टू 24 प्लस 19 विच विल बी इक्वल टू 43, ऐसे सॉल्व करोगे ना बुक में या टेस्ट में, yes. कुछ टेस्ट का डेट आया भी नहीं, यस सर, टेस्ट का कुछ डेट आया क्या, क्लास टेस्ट ऐसा कुछ, सर एग्जाम होने वाले हैं, कब से, कुछ डेट शीट आ गया उसका, नो सर, अभी नहीं आया, अब तो कल से स्कूल है, अच्छा कल से शुरू हो रहा है तुम्हारा स्कूल, नो सर, फ्राइडे को ही खुल रहा, सैटरडे फ्राइडे को ही खुल रहा था, तो उस दिन सुबह में बहुत, मतलब पूरा रातों भर बारिश हुआ है, तो ओ, बंद तो कर नहीं दे, गए, अच्छा बंद तो हो जैसी डेट शीट गया, आएगा मुझे शेयर करना, ठीक है, और फिर इसका सर भी अभी भी स्क्रीनशॉट बारिश है, अभी भी बहुत सर बाहर बारिश हुई है, बारिश हो रही है अभी, यस अच्छा सर, यहाँ तो नहीं हो रहा गया में, सर यहाँ लगातार 4 दिन से हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है, लगातार 4 दिन से हो रहा है पटना में, अच्छा 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 इसका स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का, ले लिए, ओके इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन, व्हाट
मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -6 टू गेट बोलो या फिर टू ऑब्टेन बोलो, बात बराबर बराबर है। -14, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -6 टू गेट -14, क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया, क्या तुम कर सकते हो इसको? व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -6 टू गेट -14, तो मतलब व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -6, या फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, देखो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टू गेट 3, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टू गेट 3, इसका आंसर क्या हो सकता है? पक्का पक्का, तो इसीलिए मैंने कहा था ना कि इस टाइप का क्वेश्चन लिखो, सोचो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ हमें कैसे 4 आ रहा है, 7 - 3 कर रहे हैं हम लोग, है ना, यानी कि पहला नंबर हमने पहले लिया, इसी प्रकार यहाँ भी पहला नंबर हम पहले ले लेंगे -6, है ना, फिर माइनस लिखा तो यहाँ भी माइनस, फिर अगला नंबर लिया तो अगला नंबर हमारा -14 है, है ना, माइनस क्या हो गया -6 + 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर 14 - 6 इक्वल टू क्या हो गया 8, -8 कैसे आ जाएगा सर, प्लस, ये सर प्लस ज्यादा बड़ा साइन, प्लस में ज्यादा बड़ा नंबर, स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेने का मतलब क्या है, लेके उसको ऐसे बस रखना नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना है ना, देखना है क्वेश्चन को खुद से करना है, फिर आंसर देखना है मैच हो रहा है कि नहीं, है ना। अगला व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय 6 टू गेट -18, ओके, व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय 6 टू गेट -18, क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तो क्या आंसर होगा इसका, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ सर, मतलब एक सेकंड थोड़ा दे, माइनस कर लो, कॉपी में सोच लो, करके कॉपी में करके देखना है तो देख लो, -3 नहीं, नहीं नहीं कैसे करेंगे बताओ, नहीं सर, नहीं 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 आ रहा, नहीं आ रहा, तो अगर हम लिख देंगे व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय 2 टू गेट 2, व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय 2 टू गेट 2, 1, व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय 2 टू गेट 2, 1, तो व्हाट क्या हुआ, 2 × 2 = 4, मतलब किस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे कि आंसर 2 आ जाएगा, तो 4 / 2 = 2 होता है, इसमें डाउट क्या है? Yes. उसी प्रकार व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय 6 अगर है तो हम क्या लिखेंगे, पहले x, व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय 6 है, 2 / 3 क्या लिखते हैं, 2/3 ऐसे लिखते हैं ना, yes, sir. वैसे यहाँ बोल रहे हैं डिवाइडेड बाय 6, तो डिवाइडेड बाय 6 तो 6 नीचे आएगा ना, yes, sir. x डिवाइडेड बाय 6 टू गेट -18, मतलब कि x इक्वल टू क्या हो गया -18 × 6, क्योंकि यहाँ 6 डिवाइडेड बाय 6 है, वहां जाके इंटू हो जाएगा राइट साइड, इक्वल टू क्या हो गया 6 × 8 = 48, 4 कैरी, 6 × 6 + 4 10 और -9, तो क्या आंसर आया -108, अगर -108 को 6 से डिवाइड करोगे तो -18 आ जाएगा, कोई डाउट इसमें? नो सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यस सर। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ टू इंटीजर्स, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -8, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ पता चल गया, दो इंटीजर्स का
सम माइनस एट है ना, इफ वन ऑफ द इंटीजर्स, इफ वन ऑफ द इंटीजर्स इज 12, ठीक है, देन द अदर इज, अगला पता करना है, देन द अदर इज क्या होगा, है ना, दो इंटीजर्स का सम माइनस एट है, उसमें से एक दिया हुआ है, तो अगला क्या होगा, कैसे पता लगाओगे सर, कैसे पता करेंगे एग्जाम सर? 12 सर आंसर कैसे करोगे ये बताओ ना, कैसे करेंगे आप सर? सम ऑफ यानी सम का मतलब प्लस, सम ऑफ है ना, प्लस टू इंटीजर्स यानी एक यहाँ भी रहेगा इंटीजर, एक यहाँ भी रहेगा, है ना, इज माइनस एट यानी इज इक्वल टू माइनस एट, जब भी इज आएगा यानी इज इक्वल टू, ठीक है, इफ वन ऑफ द इंटीजर इज 12, एक इंटीजर हमारा 12 है, और अगला पता करना है जिसको कि मैक्स मान लेंगे जो कि नहीं पता है, ठीक है, इसका मतलब x इक्वल टू क्यों आ जाएगा, माइनस एट, वैसे ये 12 राइट साइड आ जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, यानी कि माइनस 20, तो तुम 20 बोलते हो, आंसर है माइनस 20, जस्ट उसका उल्टा जो तुमने कहा, 20 और माइनस 20 में पता है क्या अंतर है, वही जो जमीन और आसमान में अंतर है सर, हम तो ऐसे ही बोल, हम तो सर वैसे ही दिमाग लगा के, दिमाग लगा के बोल के तुमने माइनस 20 या 20 बोल दिया, यानी कि तुम एक गलती कभी ना करना, दिमाग कभी ना लगाना, है ना सर, हम कॉपी तो अच्छा है कि मैथ्स को तुम रट के सब याद करो, कॉपी में क्या, मैंने बोला ना कैसे करेंगे, वो भी तो नहीं बता पा रहे हो, कैसे करेंगे पता होना चाहिए ना, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज माइनस 8, तो हम लिखेंगे x प्लस 12 इक्वल टू माइनस 8, यही तो मेन है, उसके बाद सब सॉल्व तो हो ही जाएगा, पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे ये पता होना चाहिए ना, यस, इस क्वेश्चन क्या बता रहा है उसका मीनिंग तो मुझे समझाओ, इस क्वेश्चन का हिंदी में मीनिंग ये हुआ, तब तो मुझे भरोसा होगा कि हाँ तुम समझ रहे हो, है ना, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज माइनस 8, यानी दो इंटीजर का सम माइनस 8 है, जब मैं बोल सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं बोल सकते, इफ वन ऑफ द इंटीजर्स इज 12, अगर एक 12 है देन द अदर इज, तो अगला क्या होगा, बस इतना ही बताना है, स्क्रीनशॉट लो, ले ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस 14 फ्रॉम माइनस 18 बी गेट, अब ये बताना है कि हमें क्या मिलेगा, है ना, ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस 14 फ्रॉम माइनस 18 वी गेट व्हाट, तो कैसे निकालेंगे, माइनस 4 कैसे निकालेंगे, क्या लिखूं मैं यहाँ, खाली माइनस 4 लिख दोगे, माइनस 18 हाँ माइनस माइनस 14 4 हाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 18 प्लस 14 इक्वल टू माइनस 4, है ना, यही था तुम्हारा आंसर, यस सर, गुड, तो ऐसे बताना है ना कि इक्वेशन क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम माइनस 4 नहीं लिख सकते ना, उसमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ ऐसे ऐसे आया है ना, ओके क्लियर कर रहा हूँ मैं, माइनस 35 इंटू 2 प्लस माइनस 35 इंटू 8, कुछ बोल रहे हो क्या? नो सर, हाँ इसका बताओ वैल्यू क्या होगा, बनाना है इसको सर, हाँ बताओ, मैं बनाऊंगा, कैसे बनाएंगे, माइनस 70 माइनस 70 फिर प्लस 35 इंटू 8 करना पड़ेगा सर, बताओ कितना होगा, यही कर लो, 5 8 40, 4 ऊपर गया, 8 24 और 4 28, यही लिखना है सर, यस, माइनस लगा देंगे ब्रैकेट में, माइनस लगा देते हैं ब्रैकेट में, गुड, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 70 माइनस 280, गुड, इक्वल टू क्या हो गया, प्लस 70 प्लस 280 कितना होगा, 350, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर, लॉक कर दूं, यस, नहीं 3 माइनस लगा दूं, चलो बच गए, तुम्हारे बहुत पक्का था अभी, तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है माइनस 35 इंटू 2
माइनस 35 इंटू 8, तो यहाँ पर हम माइनस 35 को कॉमन ले सकते हैं और अंदर क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 8 सिंपल इक्वल टू माइनस 35 इंटू 10 इक्वल टू माइनस 350। यहाँ पे वही आंसर आया ना, यस सर। मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लो, अगर क्वेश्चन में आ जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर प्रॉपर्टी तो तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने तुम्हें बताया, और ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिसमें हमें प्रॉपर्टी यूज करना होता है ना। यूज कर, यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सोचो कि कैसे किया था अपने, है ना, बार बार चलो, सोचोगे करोगे तो आएगा, ठीक है। यस सर, ले लिया। ओके, इफ एक्स इक्वल टू -1, वन सेकेंड, -10 कर लेते हैं, -10 प्लस -10 प्लस डॉट 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 50। -2 इंटू -2, ठीक है, देन फाइंड एक्स माइनस वाई, ये पता करना है। क्या तुम कर सकते हो इसको? इफ एक्स इक्वल टू -10 प्लस -10, ऐसे ही करते करते 15 बार यही है, -10 15 प्लस -10 है ना, और वाई इक्वल टू क्या है, वाले, -2, 4 बार मल्टीप्लाई है। एक्स और माइनस, एक्स माइनस वाई करना है, यस हाँ सर, कर लेंगे कैसे बताओ, पहले सर। क्या कॉपी लिखेंगे, एक्स इक्वल टू, सर, कॉपी में करके बताते हैं नहीं ऐसे बताओ, ऐसे क्या डर लग रहा है मेरे से, सर। कॉपी तो सर तुम्हारे बोल सामने है ही, कैसे करोगे बताओ ना, मैं तो वही जान चाहता हूँ राज। नहीं एक्स पाएंगे इक्वल सर, टू क्यों, तुम कुछ खा रहे हो, मुंह में कुछ टेंशन है, बोल के नहीं पाओगे, आम खा रहे हो तो नो सर। फिर बोलने में क्या है, एक्स माइनस 10, -10। हाँ इन क्या, 15 बार -10 है ना, इनटू 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 हाँ 16, इंटू 16, क्यों 15 टाइम्स है तो 16 क्यों कर दोगे, 15 सर क्यों क्योंकि नहीं, यहाँ पे सर 2 बार लिखा हुआ है 15। 2 बार लिखा हुआ है, डॉट 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 है, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा 15 तक, 15 बार, ओ तो ये सर बताने के लिए ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक है। -10 इनटू 15, हाँ तो लिख, बता तो दिए, तुम बोल रहे थे नहीं बोल पाओगे, तुमने बोल तो दिया, -150 आ गया। यस सर, आ गया ओके, और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 इनटू -21, -2 इनटू हाँ 4, -8 बाय 8, 8, 8 क्यों आएगा, सब माइनस एट माइनस एट गलत है इसमें। अच्छे से माइनस देखो, फिर से अच्छे से देखो, लंबी सांस लो, भगवान का नाम लो और फिर से बताओ, सर -8, -8, -8, ये तुम्हारा फाइनल जवाब। यस सर, -8। पहले तो 2 4 बार हम लोग को उसको गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 आना चाहिए ना, 8 कहाँ से आ रहा है तुम्हारा, किस जादू से आया, कौन सा मैजिक किया तुमने, गूगल में देखा, जब 2 को हम 4 बार गुणा कर रहे हैं तो 8 कहाँ से आ जाएगा, जादू नो से। सर, तो फिर मैंने कहा सिक्सटीन भगवान का नाम लो, तुमने भगवान का नाम ही नहीं लिया, ये गलती की तुमने, लंबी सांस का तुम लंबी सांस ली ही नहीं, कैसे होगा फिर। और माइनस साइन अगर 4 बार है तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हुआ ना, माइनस क्यों आएगा, -8 × 16, -8 × 2, माइनस साइन क्यों आएगा, अगर माइनस -10 को हम 2 बार करते हैं तो प्लस हो जाता है ना, है, यस सर, 2 बार करो, 4 बार करो, 6 बार करो, 8 बार करो, हर बार प्लस ही आएगा जब भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है, ऊपर में 15 बार था इसलिए माइनस में आएगा आंसर, नीचे में
चार बार है तो प्लस में आएगा आंसर, माइनस में नहीं आएगा। समझ में आया? यस तो क्या लिखेंगे फिर से कोशिश करो। सिक्सटीन नहीं, 16 पहले हम पे लिखेंगे क्या? माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू माइनस टू है ना, मतलब माइनस टू को इनटू माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू, इनटू यहाँ पे फोर लिख सकते हैं ना, माइनस टू इंटू माइनस टू। यस फिर सर पहला वाला माइनस टू इंटू माइनस टू क्या हो गया? फोर इंटू फोर फोर इक्वल टू क्या हो गया? 16 है ना। अब हमको क्या पता करना है? एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? -150 -16 इक्वल टू -166। समझ में आया? यस देखो इसमें कुछ गलत तो नहीं है, क्लियर सर नो करूं? स्क्रीनशॉट सर यस ले लिया है? सर ले लिया ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द डिफरेंस ऑफ इफ द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर इफ द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए, ठीक है, एक इंटीजर ए है एंड -9 इज 5, ठीक है, देन ए इक्वल टू व्हाट? इफ द सर एक डिफरेंस मिनट ऑफ एन इंटीजर ए एंड -9 इज 5, देन ए इक्वल टू व्हाट? कैसे निकालेंगे? इज द डिफरेंस सर नहीं समझ में आया नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन लिखो। जैसे हमने मान लिया, हम मान लो लिखते हैं इफ द डिफरेंस ऑफ 10 and 5 इज 5, ऐसे लिख सकते हैं ना। यस 10 और 5 का डिफरेंस कितना है? तो 5 है ना। क्या सर करोगे इसके लिए? 10 माइनस 5 करोगे कि 5 माइनस 10 करोगे? 10 माइनस 5 डिफरेंस ऑफ है ना, 10 and 5 इज व्हाट? 5। इसको हमने कैसे पता किया? तो हमने पहला नंबर लिखा, फिर माइनस लिखा, फिर अगला नंबर लिखा। उसी प्रकार यहाँ हम पहले ए लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर -9 लिखेंगे, इसकी जगह इस इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ 5 लिख देंगे। इसका मतलब ए प्लस 9 इक्वल टू क्या हो गया? 5। यानी कि सर ए इक्वल टू क्या हो गया? 5 माइनस 9 विच इज इक्वल टू -4। कोई डाउट इसमें? नो सर तो फिर इसमें क्या था? कुछ था? हर बार तुम्हें एग्जाम्पल देखना है, सोचना है कि हाँ मैं इजी क्वेश्चन बनाऊंगा तो उसका क्या आंसर आएगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो लिया इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे बुक में बहुत सारे होंगे, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो इंटीजर्स का हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है तो अब तुम्हें मेहनत थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। सर सर इंटीजर और फ्रैक्शन एंड डेसिमल आएंगे हाँ, तो इंटीजर्स वाला अगर अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो फिर हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल कवर कर लेंगे 2-3 दिन में, है ना। लेकिन इसको छोड़ के फिर फ्रैक्शन मत जम कर जाना, पहले इसको अच्छे से समझ के कर लो। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बुक में है सबको अच्छे से कर लो। जो नहीं हो पा रहा है मुझे फोटो भेजो व्हाट्सएप पे, या अगले दिन क्लास में सीधा पूछा करो कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ है ना। ओके सर कोई क्वेश्चन पहले से है तुम्हारे पास जो पूछने लायक है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं आता है मुझे? सर बुक वाले सर हाँ, बुक में से कोई क्वेश्चन है ऐसा जो लग रहा है कि ये तो डिफिकल्ट है या नहीं हो रहा है? मैंने कहा था ना उनको मार्क कर लेना, जब भी पढ़ते हो तो वैसे क्वेश्चन को मार्क कर लो जो नहीं समझ आता है, या फिर कैसे करना है यस सर अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है तो उसे पूछने के लिए रखा करो शुरू में ही, है ना। एग्जाम में अच्छे नंबर लोगे तभी तो मैं पढ़ाऊंगा ना आगे भी, किसी और को बताऊंगा, चर्चा करूंगा कि हाँ ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत मेहनती है ना। ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस करो और कल के लिए सब टिक मार के रखो जो जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है। आज के समाचार यहीं समाप्त करें, चलो। यस सर ओके, बाय।